हेलो एवरीवन, आप इस वीडियो में देखेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है. ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक टाइप की कॉम्प्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी है, जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी को कंप्यूट किया जाता है, उसे कैलकुलेट किया जाता है. दैट डिस्क्राइब्स द टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एन एल्गोरिदम. जो क्या डिस्क्राइब करती है, जो डिस्क्राइब करती है कि एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम चाहिए. राइट, ओके, एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लेती है. ओके, तो अब यहां पे एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज डिजाइंड टू अकम्प्लिश अ टास्क. एल्गोरिदम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिसको आप फॉलो करते हो किसी भी टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए. राइट, नाउ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम इज द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर ईच स्टेटमेंट टू कंप्लीट. किसी भी एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? टोटल अमाउंट होता है उसके जितने भी स्टेप्स हैं. मान लो एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए आपने एल्गोरिदम क्रिएट किया है, और उस एल्गोरिदम में आपने 6 यहाँ पे 1 2 3 4 ओके 5 स्टेप्स को फॉलो किया है. तो इन 5 स्टेप्स, जितने भी 5 स्टेप्स हैं, राइट, उसमें फर्स्ट स्टेप में कितना टाइम लगा, फिर सेकंड स्टेप में कितना टाइम लगा, तो टोटल जो टाइम आता है वो क्या होता है? उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है. राइट, एज अ रिजल्ट इट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द प्रोसेस डेटा और इनपुट डेटा. तो यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो किस पे डिपेंड करती है? वो साइज ऑफ इनपुट डेटा, मतलब आप जो डेटा एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम में इनपुट कर रहे हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसके ऊपर भी डिपेंडेंट होती है. राइट, नाउ वी हैव बेस्ट वर्स्ट एंड एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी. इन एनालाइजिंग एल्गोरिदम्स वी कंसिडर 3 टाइप्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. जब आप एल्गोरिदम्स को एनालाइज करते हो, ओके, तो यहाँ पे हम 3 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज को कंसिडर करते हैं. फर्स्ट वी हैव द बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी. दिस रिप्रेजेंट्स द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन एल्गोरिदम टू कम्प्लीट वैन गिवन द ऑप्टिमल इनपुट. तो यहाँ पे आपका एल्गोरिदम क्या करता है, बहुत ही कम टाइम लेता है कम्प्लीट होने में, और जब जो इनपुट है वो ऑप्टिमल इनपुट है, मतलब वो सही अमाउंट में इनपुट उसको दिया गया है. इट डिनोट्स एन एल्गोरिदम ऑपरेटिंग एट इट्स पीक एफिशिएंसी अंडर आइडियल सर्कमस्टेंसेस. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वो एल्गोरिदम अपनी पीक एफिशिएंसी पर काम कर रहा है, ओके, काफ़ी एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, और जो उसके सर्कमस्टेंसेस है, वर्किंग सर्कमस्टेंसेस हैं, वो भी क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही है, आइडियल सर्कमस्टेंसेस हैं. राइट, तो जहाँ पे बहुत ही कम टाइम ले रहा है एल्गोरिदम कंप्लीट होने में, वो आपका बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया. राइट, नाउ नेक्स्ट वन इज वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी. दिस डिनोट्स द मैक्सिमम टाइम एंड एल्गोरिदम विल टेक टू फिनिश फॉर एनी गिवन इनपुट. यहाँ पे जो आपका एल्गोरिदम है वो मैक्सिमम बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ओके, और जो इनपुट अमाउंट है वो कुछ भी हो सकता है. राइट, इट रिप्रेजेंट्स द सिनेरियो वेयर द एल्गोरिदम एनकाउंटर्स द मोस्ट अनफेवरेबल इनपुट. तो यहाँ पे क्या सिनेरियो रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे जो एल्गोरिदम है वो किससे डील कर रहा है, अनफेवरेबल इनपुट से डील कर रहा है, मतलब वो ऐसे इनपुट से डील कर रहा है जिसको वो इजिली कंप्लीट या इजिली एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है. ओके, नेक्स्ट वन वी हैव एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी. दिस डिनोट्स द एवरेज टाइम एंड एल्गोरिदम विल टेक टू फिनिश फॉर एनी गिवन इनपुट. यहाँ पे एल्गोरिदम एवरेज टाइम ले रहा है किसी भी इनपुट को एग्जीक्यूट करने में. दिस रिप्रेजेंट द इनपुट सेट दैट अलाउज एन एल्गोरिदम टू डिलीवर एन एवरेज परफॉर्मेंस. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो आपका एल्गोरिदम है उसको इस तरह का इनपुट दिया जा रहा है, इनपुट सेट दिया जा रहा है, जो जिसकी वजह से जो आपका एल्गोरिदम है वो एवरेज परफॉर्मेंस दे पा रहा है. राइट, अब यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक आपको एग्जांपल दिया गया है. सपोज वी आर शॉर्टिंग अ लिस्ट ऑफ नंबर्स यूजिंग टू डिफरेंट एल्गोरिदम्स. तो यहाँ पे एक लिस्ट है नंबर्स की जिसको आप दो एल्गोरिदम से शॉर्ट कर रहे हो, ठीक है, ओके. तो ये आपका फर्स्ट एल्गोरिदम आपका 1 है, एल्गो 1, एंड सेकेंड आपका एल्गो 2 है. राइट, और यहाँ पे देखो आपको टेबल दिया गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं, इनपुट आप कह सकते हो, ठीक है. अब यहाँ पे देखो टाइम टेकन बाय एल्गो 1 इन यूनिट्स. तो यहाँ पे यूनिट्स आपका नैनो सेकेंड हो सकता है, माइक्रो सेकेंड हो सकता है, मिली सेकेंड हो सकता है. राइट, और यहाँ पे एल्गोरिदम 2, अब देखो इनपुट क्या है, सेम है, बट उसको जो शॉर्ट कर रहा है वो एल्गोरिदम डिफरेंट है.
तो आप यहाँ पे देखेंगे जब इनपुट डेटा आपका 10 है तो जो फर्स्ट एल्गोरिदम है उसने क्या लिया, 70 यूनिट टाइम लिया, एंड जो सेकंड था उसने 110। फिर आपका डेटा हुआ, इनपुट डेटा 50 हुआ, तो जो आपका एल्गो 1 है उसने 85 लिया है, एंड एल्गो 2 ने आपका 115 लिया है। जब आपका इनपुट इंक्रीज हो गया 120, तो यहाँ पे देखो जो टाइम टेकन बाय एल्गो 1 है वो 140 हो गया, और टाइम टेकन बाय एल्गो 2 हो गया वो डिक्रीज हो गया 120। अब जब आपका इनपुट आपका 500 हो गया, तो आपका टाइम टेकन बाय एल्गो 1 हो गया 2000, ओके, एंड टाइम टेकन बाय एल्गो 2 हो गया 200। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, जब इनपुट कम है तब तो आपका एल्गो 1 एफिशिएंट है, ठीक है, बट जब इनपुट ज़्यादा हो गया है तब आपका आपका एल्गो 2 एफिशिएंट है, ओके, क्योंकि जो एल्गोरिदम कम टाइम में अपने डेटा को प्रोसेस करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हियर वी कैन एनालाइज व्हेन इनपुट साइज इज लेस एल्गो 1 टेक्स लेसर टाइम, ठीक है, जब इनपुट टाइम जो इनपुट डेटा कम था तब एल्गो 1 कम टाइम ले रहा था, बट व्हेन इनपुट साइज इंक्रीजेज एल्गो 2 टेक्स लेसर टाइम देन एल्गो 1। जब आपका डेटा इंक्रीज हो गया तो एल्गो 2 कम टाइम लेने लगा। इन ऑर्डर टू फाइंड विच एल्गोरिदम इज बेटर वी हैव टू फाइंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बोथ द एल्गोरिदम एंड कंपेयर देम। तो यहाँ पे देखने के लिए कि कौन सा एल्गोरिदम बेटर है, आपको क्या करना होगा, दोनों एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा और उनको कंपेयर करना पड़ेगा, राइट। By analyzing the time complexity of an algorithm, developers can make informed decisions about which algorithm to use in different scenarios and identify area for improvement in their code. तो इस केस में जहाँ पे आपको ये निकालना है कि कौन सा algorithm ज़्यादा better है, ज़्यादा किसी पर्टिकुलर उसको डेटा को सॉल्व करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, वहाँ पे क्या किया जाता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को फाइंड आउट किया जाता है एल्गोरिदम्स को, और उनको आपस में कंपेयर किया जाता है, राइट। अब हमारे पास एक टर्म आता है बिग ओ नोटेशन, राइट। तो ये क्या है, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड यूजिंग बिग ओ नोटेशन। किसी भी एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ बिग ओ नोटेशन, राइट। अब बिग ओ नोटेशन को आप कैसे डिनोट करोगे, बिग ओ नोटेशन इज डिनोटेड एज ओ, यहाँ पे ओ क्या है, ऑर्डर ऑफ एफ फंक्शन, फंक्शन मीन्स ऑपरेशंस या स्टेप्स, राइट, नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय द एल्गोरिथम टू सॉल्व अ पर्टिकुलर टास्क, राइट, और एन क्या है, एन है इनपुट जो एक एल्गोरिथम को दिया जा रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो, वेयर ओ रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ द फंक्शन, ओ क्या है, ऑर्डर ऑफ द फंक्शन, एफ एन इज अ फंक्शन डैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ऑपरेशन और स्टेप दैट एन एल्गोरिथम परफॉर्म टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ साइज एन, ठीक है। तो यहाँ पे ओ आपका हो गया ऑर्डर ऑफ, और एफ क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टेप्स जो एक एल्गोरिदम ले रहा है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और उस प्रॉब्लम के अंदर जो इनपुट जा रहा है वो कितना है, एन है, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, आप ऐसे बिग ओ नोटेशन को डिनोट करोगे, राइट। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम इज डिनोटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ फंक्शंस असाइंड फॉर ईच लाइन ऑफ द एल्गोरिदम। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक एल्गोरिदम के अंदर जितनी भी लाइंस हैं, जितने भी आपने कमांड्स लिखी हैं, राइट, इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, उसमें हर लाइन का ऑर्डर ऑफ फंक्शन निकाला जाएगा, हर लाइन का बिग ओ नोटेशन निकाला जाएगा, और इन द एंड उन सबको ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वो होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। बिग ओ नोटेशन हेल्प अस एनालाइज हाउ द इनपुट साइज अफेक्ट्स एन एल्गोरिदम्स रनिंग टाइम। बिग ओ नोटेशन आपको ये एनालाइज करने में हेल्प करता है कि इनपुट साइज कैसे एक एल्गोरिदम के रनिंग टाइम को इफेक्ट करता है, राइट। वेयर द फास्टर एन एल्गोरिदम कैन कंप्लीट अ टास्क द मोर एफिशिएंट इट इज। तो यहाँ पे अगर कोई एल्गोरिदम बहुत ही फास्ट है और बहुत ही फास्टर अपने टास्क को कंप्लीट कर लेता है, उस केस में वो ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है, राइट, ओके। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब आप बिग ओ नोटेशन की हेल्प से कैलकुलेट करोगे तो आपको कुछ रूल्स भी फॉलो करने हैं, राइट। तो उनमें से क्या है, फाइंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म डोमिनेटिंग टर्म एंड इग्नोर द लो ऑर्डर टर्म्स, राइट। जब भी कोई भी आपका टर्म निकल के आएगा उसमें से आपको क्या करना है, डोमिनेटिंग टर्म को आपको लेना है और लो ऑर्डर टर्म्स को आप इग्नोर कर दोगे। ये एग्जांपल की हेल्प से मैं भी आपको समझाऊंगी। टेक आउट द कोफिशिएंट, इग्नोर कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू को भी आपको इग्नोर करना है, ओके। मान लो आपके पास एक छोटी सी इक्वेशन है, ये हमने इक्वेशन ली
ओके अब इस इक्वेशन में क्या है जो आपकी हाई ऑर्डर टर्म है, देखो यहाँ पे इन दिस इक्वेशन वी विल फाइंड द डोमिनेटिंग टर्म बाय चेकिंग द पावर ऑफ एन। तो आपको पावर ऑफ एन की, आपको एन की पावर को चेक करना है और इसमें से इस इक्वेशन में से आपको डोमिनेटिंग टर्म निकालनी है। फाइन, सो यहाँ पे जो डोमिनेटिंग टर्म है जहाँ पे एन की पावर सबसे ज़्यादा है वो आपका 2n² है, आपने ले लिया। सो 2n² इज द डोमिनेटिंग टर्म इन दिस इक्वेशन, राइट। अभी हमारा फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट रूल था वो हमने फॉलो किया, आपको क्या करना था डोमिनेटिंग टर्म को निकालना था और बाकी लो ऑर्डर टर्म्स को आपको इग्नोर कर देना था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड रूल वी हैव टू इग्नोर द कॉन्स्टेंट इन डोमिनेटिंग टर्म। आपके पास डोमिनेटिंग टर्म आ गई है 2n², अब इसके अंदर से आपको कॉन्स्टेंट वैल्यू को इग्नोर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्या आपका कॉन्स्टेंट है, 2 को आप हटा दोगे, 2 इज इग्नोर्ड। तो फाइनली आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, ऑर्डर ऑफ n², ठीक है। तो आपकी यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी आई है इस पर्टिकुलर उसकी वो क्या आई है, ऑर्डर ऑफ n², राइट। ओके, नाउ वी हैव सम कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हियर, राइट। तो कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट आपका क्या है, कॉन्स्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर 1, ठीक है। इसको आप कैसे प्रोनाउंस करोगे, ऑर्डर 1, ओ ऑफ 1, बिग ओ ऑफ 1, राइट। एंड एल्गोरिदम इज सेड टू हैव कॉन्स्टेंट टाइम विद ऑर्डर ओ 1 व्हेन इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द इनपुट साइज n। जब कोई एल्गोरिदम इनपुट साइज पर डिपेंड नहीं होता, राइट, तो वहां पे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर 1, और आप कह सकते हो बिग ओ ऑफ 1, राइट। Irrespective of the input size and running time will always be the same। आप कितना भी input उस particular algorithm को दे रहे हो उसका running time हमेशा same रहेगा, right? तो इसके कुछ example देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, मैंने एक variable लिया, उसको मैंने value दी 1000, राइट, और उसको आपने प्रिंट करा दिया सिंपल। यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है दोनों, ये आपके इनपुट डेटा पे डिपेंड नहीं कर रही। अगर आप एन को चाहे 100 दो, चाहे आप 10 दे दो, आप उसको प्रिंट करा रहे हो सिंपली। तो यहाँ पे क्या है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट, सो इट विल टेक कॉन्स्टेंट टाइम। तो इसको एग्जीक्यूट होने में कॉन्स्टेंट टाइम लगेगा, राइट। तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी ऑर्डर ऑफ 1 होगी, यहाँ पे आपने एक वेरिएबल को इनिशलाइज किया है, ठीक है। और सेकंड जो आपका प्रिंट है एन है, उसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ऑर्डर ऑफ 1 और सॉरी ओ ऑफ 1 होगी। तो जब आप इसको ऐड करेंगे दोनों को, तो आपका क्या आया, 2 ओ ऑफ 1, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्या है आपका कॉन्स्टेंट, ये हट जाएगा जो अभी हमने रूल्स फॉलो किए थे। अब आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई है, ओ 1, राइट, ऑर्डर 1। ओके, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पे आपने एक वेरिएबल ए लिया है, उसके अंदर आपने कुछ वैल्यू इनिशियलाइज़ किए, वो कैसे किए आपने, 10 डिवाइडेड बाय 2, राइट। सिंपल है ये टर्म, राइट, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी इनपुट, ओके। आपने फिर उसको प्रिंट करा दिया, तो आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या हुई, ऑर्डर 1। सेकेंड की भी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, ऑर्डर 1, राइट। अब आपका थर्ड स्टेटमेंट क्या है, बी इक्वल्स टू 10 into 2, तो यहाँ पे वेरिएबल के अंदर आपने वैल्यू इनिशियलाइज की है, उसकी भी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आपकी होगी ऑर्डर 1, एंड उसके बाद आपने बी को प्रिंट करा दिया, इसकी भी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, ऑर्डर 1, राइट। इन सबको आपने ऐड कर दिया, आपका रिजल्ट क्या है, 4O1, ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आपका कॉन्स्टेंट है, इसको आप कट कर दोगे, इग्नोर कर दोगे। अब आपकी यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो आपका एग्जाम्पल था उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, ओ ऑफ 1 और बिग ओ ऑफ 1, राइट। तो ये आपकी क्या है, कॉन्स्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, अब हम देखेंगे लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। इसको कैसे आप प्रोनाउंस करोगे, ऑर्डर एन, ओके, ओ एन, ऑर्डर एन, O of n, big O of n, ठीक है। Time, the time grows linearly with the number of input element n। यहाँ पे time किसके according increase हो रहा है, input element के ही according increase हो रहा है, ठीक है। If n doubles, then the time approximately doubles too। अगर आप input को double कर देते हो तो time भी double हो जाएगा, right? Okay, example देखते हैं इसका, order n का। लेट्स फाइंड आउट कॉम्प्लेक्सिटी। अब यहाँ पे हमने फोर लूप लिया है फॉर आई इन रेंज एन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लूप कितने टाइम्स चलेगा, एन टाइम्स चलेगा, ओके। और यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है प्रिंट आई, अब प्रिंट आई तो कॉन्स्टेंट टाइम लेगी, राइट। यहाँ पे मान लो कॉन्स्टेंट टाइम ये लेती है सी,
ओके, लेकिन जो आपका लूप चलेगा वो कितने टाइम चलेगा, वो एन टाइम चलेगा। जो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट टाइम इंटू एन, राइट, क्योंकि वन टाइम आई प्रिंट हुआ, फिर सेकेंड टाइम प्रिंट हुआ, तो एन टाइम आपका आई प्रिंट होगा। तो हर बार कितना टाइम आएगा, कॉन्स्टेंट टाइम आएगा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो कॉन्स्टेंट टाइम लेगी, राइट। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, c इंटू एन, और आप इसको ले सकते हो सी एन, या फिर आप इसको बोलोगे ऑर्डर एन, राइट। यहाँ पे क्यों, यहाँ पे c हम हटा देंगे, c क्या है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को आपने हटा दिया, ओके, इग्नोर कर दिया, ये आपका आ गया ऑर्डर एन, राइट। यहाँ पे देखो टाइम टेकन बाय द वन स्टेप, जो कॉन्स्टेंट टाइम है वो एक स्टेप में, जो एक स्टेप का टाइम है वो कॉन्स्टेंट है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो कॉन्स्टेंट टाइम लेगी, राइट, ओके। और आपका नंबर ऑफ स्टेप्स इन द लूप, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, एन है, तो टोटल टाइम कितना हो गया, सी एन, ठीक है। तो सी हमारा आपका, सी आपका क्या है, कॉन्स्टेंट है, आपने उसको यहाँ से इग्नोर कर दिया, तो ये आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर एन, राइट, ओके। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट, आप इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे, ऑर्डर एन स्क्वेयर्ड, ठीक है, ऑर्डर एन स्क्वेयर्ड, और ओ ऑफ एन स्क्वेयर्ड, या बिग ओ ऑफ एन स्क्वेयर्ड, राइट। क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स दैट द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ द इनपुट साइज। तो रनिंग टाइम किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वेयर ऑफ द इनपुट साइज, ठीक है, स्क्वेयर ऑफ द, अगर आपका इनपुट n है तो आपका रनिंग टाइम क्या हो जाएगा, n स्क्वेयर हो जाएगा, राइट, ओके। अब इसका एग्जांपल देखेंगे, नेस्टेड लूप आइटरेटिंग ओवर द इनपुट। तो यहाँ पे हम नेस्टेड लूप ले रहे हैं, फॉर i इन रेंज n, ये आपका आउटर लूप है जो n टाइम्स चलेगा, फिर ये आपका इनर लूप है फॉर j इन रेंज n, जो इनर लूप भी आपका एन टाइम्स चलेगा, ओके। अब यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट है k इक्वल्स टू k प्लस वन, तो यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट क्या है, कॉन्स्टेंट टाइम लेगी c, राइट। टोटल टाइम आप कैसे निकालोगे, कॉन्स्टेंट टाइम इंटू n, और इंटू n, ठीक है, क्योंकि एक n क्या हुआ आपका, इनर लूप का हुआ, एक n आपका आउटर लूप का हुआ, राइट। देखो यहाँ पे c क्या, कॉन्स्टेंट टाइम है, ओके, टाइम टेकन बाय वन स्टेप, ओके, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स इन आउटर लूप, नंबर ऑफ स्टेप्स इन इनर लूप, ओके। अब टोटल टाइम कितना आ गया, सी एन स्क्वायर आ गया, जहाँ पे हम सी को इग्नोर कर देंगे, तो आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ऑर्डर एन स्क्वायर्ड, राइट। ये आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो नेस्टेड लूप में यूज होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट, समझ आया ये आपको। नेक्स्ट चलते हैं, एक एग्जांपल और लेंगे यहाँ पे, ये है आपकी लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसको आप प्रोनाउंस कैसे करोगे, ऑर्डर लॉग एन, ओके, ऑर्डर लॉग एन, ओ ऑफ लॉग एन, और बिग ओ ऑफ लॉग एन, राइट। एन एल्गोरिदम इज सेड टू हैव अ लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी व्हेन इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ द इनपुट डेटा इन ईच स्टेप। तो इस एल्गोरिदम में क्या होगा, जब जितना भी इनपुट डेटा आएगा, राइट, उसका साइज आप क्या कर दोगे, मान लो एन इनपुट डेटा आया है, आप उसका साइज कर दोगे हाफ, ठीक है। दिस इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ ऑपरेशन इज नॉट द सेम। अगर आपने इनपुट डेटा को भी हाफ कर दिया है, तो आप क्या, नंबर ऑफ ऑपरेशन भी क्या हो जाएंगे, आपका हाफ हो जाएगा, राइट। द नंबर ऑफ ऑपरेशन गेट रिड्यूस एट द इनपुट साइज इंक्रीजेस। तो आप अगर इनपुट साइज को इंक्रीज कर रहे हो, उस केस में क्या है, नंबर ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज नहीं होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे आप क्या करते चले जाओगे, इनपुट डेटा को हाफ 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 करते चले जाओगे, राइट, ओके। एज द इनपुट साइज इंक्रीजेज द रनिंग टाइम ग्रो स्लोली, मेकिंग इट मोर एफिशिएंट देन द लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज। तो यहाँ पे जो लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो मोर एफिशिएंट है, क्यों, क्योंकि अगर आप इनपुट साइज बढ़ा भी रहे हो, तो भी जो रनिंग टाइम है वो बहुत ही थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा, राइट, अदरवाइज वो कॉन्स्टेंट अपने पेस पे चलेगा, ओके। एल्गोरिदम्स आर फाउंड इन बाइनरी ट्री, और जो आपकी लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होती है वो बाइनरी ट्री या बाइनरी सर्च फंक्शन में यूज की जाती है। दिस इन्वॉल्व्स द सर्च ऑफ अ गिवन वैल्यू इन एन एरे बाय स्प्लिटिंग द एरे इनटू टू। यहाँ पे क्या किया जाता है, आपका एरे है, मान लो आपको कोई वैल्यू सर्च करनी है, तो आप क्या करोगे, एरे को स्प्लिट कर दोगे टू पार्ट्स में, राइट, एंड स्टार्टिंग सर्चिंग इन वन स्प्लिट। तो और यहाँ पे आप पूरा कंप्लीट पार्ट सर्च नहीं कर रहे हो, किसी एक स्प्लिट को आप सर्च करोगे, राइट। दिस एंश्योर्स द ऑपरेशन इज नॉट डन ऑन एवरी एलिमेंट ऑफ द डेटा। तो यहाँ पे आप ऑपरेशन, जो एल्गोरिदम के जितने भी आपका इनपुट मिला है, आप कंप्लीट इनपुट पर अपना ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हो, राइट, right?
ओके देखो इसका एग्जांपल क्या है, द बाइनरी सर्च फंक्शन हैज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओके ओ लॉग एन एज इट कॉन्टिन्यूसली हैव द सर्च स्पेस अंटिल इट फाइंड्स द टारगेट एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, सर्च स्पेस को ये कॉन्टिन्यूसली हाफ में डिवाइड करता रहता है जब तक कि उसे अपना टारगेट एलिमेंट नहीं मिल जाता या फिर ये डिटरमाइन नहीं हो जाता कि टारगेट एलिमेंट एब्सेंट है, उसमें प्रेजेंट नहीं है, राइट right? तो ये आप बाइनरी सर्च कर चुके हैं। यहाँ पे हमने एक बाइनरी सर्च का आपने फंक्शन बनाया है, ठीक है, जहाँ पे आपने एरे लिया, उसका साइज लिया और टारगेट एलिमेंट लिया है, ओके लो को आपने वेरिएबल को ले लिया जीरो, राइट जीरो इंडेक्स पे, और हाई को आपने ले लिया साइज माइनस वन, ओके। अगर आपका आपने यहाँ पे लूप लिया है वाइल, अगर आपका लो क्या है, स्मॉलर देन इक्वल टू हाई है, लो आपका जो एलिमेंट है, राइट जो लो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू हाई है, तो आप मिड कैसे निकालोगे, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय टू, राइट। अगर आपका एरे का मिड क्या है, आपका टारगेट एलिमेंट है, तो आपका मिड रिटर्न हो जाए एल सिर्फ अगर आपका एरे का मिड जो है वो टारगेट से स्मॉल है, तो आप कहाँ सर्च करोगे, जो यहाँ पे अब आपका लो क्या बन जाएगा, मिड प्लस वन, एल्स आपका हाई क्या बन जाएगा, मिड माइनस वन, ठीक है। तो ये आपने बाइनरी सर्च किया होगा, ओके रिटर्न माइनस वन। तो यहाँ पे सिंपली आप यहाँ क्या बता रहे हैं कि बाइनरी सर्च में आपका ऑर्डर ऑफ लॉग इन कॉम्प्लेक्सिटी का यूज़ होता है, फाइन। ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक इट, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.